और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की। और इसके पहले हम लोगों ने अरिहंत पब्लिकेशन की बुक, जो कि बेसिकली हिंदी मीडियम की है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके इंग्लिश मीडियम की बुक में भी मिल जाएंगे। और ये ना सोचिएगा कि आपके पास जो सी बुक है उससे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको करने होंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। जितने भी मटेरियल मिलते हैं, जितने भी तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि पेपर बनाने वाला किसी बुक से पेपर नहीं बनाएगा, वो बनाएगा आप नहीं पास है। तो केवल आपको क्वेश्चन के तरीके पता होने चाहिए और साथ साथ उनको लगाने का तरीका, नहीं तो भाई ऑप्शन कैसे क्लिक करोगे। ठीक है, तो चलो, इसके पहले हम लोगों ने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और बेसिक भी इसका पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख लो। और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। एक कार्टून आता है ना, रोल कार्टून नेटवर्क पर रोल नंबर 21, वो याद आ गया। चलो खैर, हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, रूट सेवन। अब ये रूट पे रूट भाई चढ़ा हुआ है, हम क्या कर सकते हैं इसको? अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, तो यहाँ पर काउंट कर लेना कितने रूट लगे हुए हैं, 1 2 3। अगर एक ही नंबर लिखा हो तब की बात बता रहा हूँ, ठीक है? अगर लिखा हो तो इसका सीधा सा फॉर्मूला क्या होता है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले तो वहां पर ऐसे 7 लिखना, ठीक है? रूट काउंट कर लेना कितने रूट हैं, ये काउंट कर लो कितने रूट हैं, 1 2 एंड 3, देर आर 3 रूट्स। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 2 की पावर 3 -1 अपॉन, और सिंपली से जो भी 2 की पावर होगी वो लिख देंगे, ठीक है? यानी 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 लिख देंगे, बस गेम ओवर हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, कैसे करेंगे? यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7 की पावर 2 का क्यूब कितना होता है भाई, 2 का क्यूब कितना होता है, सभी लोग बताओ। 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 -1 अपॉन 2 की क्यूब हो गया 8, तो यानी इसका आंसर आ गया 7 की पावर 8 -1, यानी हो गया 7 अपॉन 8, हो गया भाई आंसर, लग गया, ठीक है ना? कितना ईजी था, बहुत ही आसान था। एक एक्सपेरिमेंट कर लें क्या? चलो कर लेते हैं एक एक्सपेरिमेंट। मैंने ये कहा था बाबू कि अगर किसी पर रूट लगा हो तो एक बेसिक सी चीज़ ये बताई थी कि अगर लगा हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1 अपॉन 2, ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं ना? तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इस पर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं आता कि नहीं आता, जरूरी नहीं कि आ जाए ना, बस एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो ये भी देखते रहना कि देखो ये फिलहाल तो ये तो आपके लिए मस्त है ही है कि अगर जितने भी रूट होंगे उनको काउंट कर लेना, 2 की रूट जितना भी होगा उतना -1 अपॉन 2 की जो भी जितनी भी रूट होगी वो पावर लगा देना, ठीक है ना? बस सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो यहाँ पर 7 की 1 रूट लगी है, तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा 7 की पावर 1 अपॉन 2, ठीक है? यहाँ पर 7 पे रूट लगा हुआ है और एक और रूट लगा हुआ है, मतलब हम लिख सकते हैं 7 की पावर 1 अपॉन 2 × 1 अपॉन 2, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर 7 पे 3 रूट है, 1 2 3, तो मतलब हम 7 की पावर 1 अपॉन 2 × 1 अपॉन 2 × 1 अपॉन 2 ऐसे करके देखते हैं आता है कि नहीं आता, चेक कर लेते हैं। तो ये 7 की पावर 1 अपॉन 2 हो जाएगा इंटू 7 की पावर 1 अपॉन 4 हो जाएगा इंटू 7 की पावर 1 1 जा 1 अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब अगर हम सॉल्व करें तो ये मल्टीप्लाई है कि नहीं, बेस क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई करने पर बेस क्या होते हैं, पावर क्या होती है, प्लस हो जाती है। तो इसका मतलब 7 की पावर 1 अपॉन 2 + 1 अपॉन 4 + 1 अपॉन 8 ये करके अगर हम देख लें तो हो सकता है आ जाए आंसर, ना जरूरी नहीं कि आ जाए, चेक कर लेते हैं। मैंने कहा था ना कि एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, देखो। तो ये हो जाएगा हमारा 2 4 और 8 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 4 जाए 8 4 2 जाए 8 8 1 जाए 8, और ये 7 की पावर है तो 7 की पावर कितनी हो गई, 4 2 6 एंड 1 7 7 अपॉन 8, लो आ गया भाई, ठीक है ना? ये आ गया आंसर हमारा, बिल्कुल इस तरह से कर, लेकिन इसको करने में बड़ा टाइम लगा। अभी मान लो और बड़ा कर देते थोड़ा तो हम क्या करते, तब तो परेशान हो जाते। तो यहाँ पर ये केवल इतना चीज़ याद रखना कि जो भी पावर दी गई ना, सॉरी जो भी रूट दिया गया है उन रूट्स को काउंट कर लेना, 2 की पावर नंबर ऑफ रूट्स -1 अपॉन 2 की पावर नंबर ऑफ रूट्स, खत्म बात, कोई पावर लगा देना, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, नहीं समझ में आ गया ना? बड़ा मस्त था, है ना? है ना, इसी तरह से मैथ्स में बहुत ही मजा आती है। और अगर भी आप सीखना चाहते हो ना तो अपना वो एकेडमिक चैनल पढ़ लिया है ना, बहुत से बच्चे जानते हैं, जो नहीं जानते वो जान ले कि एकेडमिक चैनल भी अपना एक पढ़ लिया, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? नवोदय के बाद भी उस पर आपको वीडियो आपके काम की मिलती रहेंगी, ठीक। चलो अगला दिया गया है, 256 की पावर 3 अपॉन 8। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई, एक काम करते हैं, 2 की पावर 56 को हम क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 2 की पावर 56 यहाँ हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 8 जा 16, फिर 200 करोगे, 2 6 जा 12 हो जजाएगा, 2 4 जा 8, फिर 200 करोगे, 2 3 जा 6 2 2 जा 4, फिर 200 करोगे, 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 8 जा 16,
2 4 जाए 2 2 जाए 4 और ये 2 1 जाए 2 हो गया भाई। इतना सारा काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 2 की पावर 8 मिल तो गया भैया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 8 और की होल पावर 3/8 हो गया। मैंने क्या कहा था कि अगर होल पावर होगी, पावर की होल पावर होगी तो वहाँ पर हम क्या करेंगे उनकी पावर्स का मल्टीप्लाई। तो भाई कर लो पावर का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 2 की पावर 8 × 3/8 हो गया। 8 1 8 कैंसिल यानी कितना बचा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 कितनी होती है 2 × 2 की पावर 3 2 × 2 × 2 यही तो होता है। तो 2 2 4 2 8 इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा खत्म। बताओ मजा आ रहा है। ऐसे ही इजी क्वेश्चन आपको मिलेंगे नवोदय में भी, लेकिन प्रैक्टिस किए रहिएगा नहीं तो वहाँ पर मामला हो सकता है गड़बड़ आपका। ठीक है चलो भाई आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया गया कि 1 वोल्ट 44/100 की होल पावर −3/2 कैसे करेंगे। सबसे पहला काम तो कर लेते हैं 100 × 100 और +44 तो ये कितना हो जाएगा 144/100 की पावर −3/2। बताओ ये बात आई समझ में कि नहीं आई। यहाँ पर 100 का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 × 100 हो, उसमें फिर न्यूमरेटर यानी अंश को हम क्या करते हैं प्लस करते हैं यानी जोड़ देते हैं तो 100 + 44 = 144 हो गया खत्म की बात भैया। 140 ये पावर 2 है ना तो इसका मतलब इन दोनों को हम पावर 2 में चेंज करते हैं। कैसे करेंगे हम लिख लेते हैं 12/10 की पावर 2। बताओ 12 का स्क्वायर 144 होता है कि नहीं, 12 का वर्ग 144 होता है कि नहीं होता भाई, होता है ना। और 10 का स्क्वायर 100, 10 का वर्ग 100 भी होता है और इसकी होल पावर कितनी लिखी हुई है −3/2 तो हो गया भैया काम, हो गया कि नहीं हो गया। अब हम क्या करते हैं कि अगर पावर की होल पावर दी हो तो हम उनका क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर बाबू कर लो 12/10 की पावर 2 × −3/2 बात खत्म। 2 से 2 कैंसिल हमारा तो कितना आ गया 12/10 की होल पावर −3। अब फिर आती है कि −3 का क्या करें भाई। मैंने ये पहले बताया था अगर मान लो x की पावर y लिखाओ तो हम इसको 1/x−y लिख सकते हैं। अगर मान लो x−y लिखाओ तो इसको हम 1/x·y लिख, मतलब अगर हमें माइनस से प्लस करना है प्लस से माइनस करना तो उसी जो भी दिया होगा ना उसका उल्टा कर देना, उसका उल्टा कर देना उसकी पावर जो होगी वो माइनस की प्लस और प्लस की माइनस हो जाएगी। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम कर लेते हैं 10/12 की पावर 3 उल्टा कर दिया, क्या कर दिया उल्टा कर दिया। 10 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा यानी 10 का घन 1000। 12 का क्यूब करोगे तो ये कितना होगा भाई 12 का क्यूब 1728 होता है मतलब 1728। लो आ गया आंसर, आ गया आंसर, कितना आसान था आ गया ना। चलो भाई ये समझ में आ रहा है, वीडियो लाइक कर दो पट से। अरे कहना पड़ता है जानते हैं आप लोग कर दिए होगे लेकिन फिर भी कहना पड़ता है, चलो कर दिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया कि 64 की पावर 2x और 256 की पावर x − 1। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये दोनों तभी इक्वल हो सकते हैं जब ये दोनों नंबर भी इक्वल हो और उनके बेस भी क्या हो इक्वल हो। ये कर सकते हैं, कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये तो हमारा इसको भी 2 के फॉर्म में चेंज कर लो, इसको भी 2 के फॉर्म में चेंज कर लो, बस काम खत्म। 64 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन यानी 64 का अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 3 6 2 2 4 फिर 200 करोगे 2 1 2 2 6 2 6 12 200 करोगे 2 8 16 ये हो जाएगा 2 4 8 ये 2 2 4 और ये हो गया 2 1 2 कितने बार में 1 2 3 4 5 6 यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6 की होल पावर 2x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई। लिख सकते हो तो बताओ, नहीं लिख सकते तो भी बता देना ठीक है। अगर लिख सकते हैं तो ठीक है, नहीं लिख सकते तो क्या लिख सकते हैं ये बता देना। 256 इसका भी करके देख लो, अभी तो किया था 256 क्या बार बार करना 2 की पावर 8 ये तो किया था ना 256 का तो 2 की पावर कितनी आई थी 8 आई थी। यह देखो ये 2 की पावर 8 आई थी है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं 2 की पावर 8 की होल पावर कितनी हो जाएगी x − 1 हो गया भैया हमारा बेस इक्वल लेकिन पावर से पावर का मल्टीप्लाई तो 2 की पावर 6 2 हो जाएगा 12x और ये हो जाएगा 2 की पावर 8 का x से मल्टीप्लाई हो गया 8x माइनस 8 का 1 से मल्टीप्लाई हो गया 8 खत्म। बस बेस इक्वल ये नंबर तभी इक्वल हो सकते हैं जब इनकी पावर्स भी क्या हो इक्वल हो। तो इनकी पावर्स को इनकी घातों को हम बराबर कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं तो 12x = हो जाएगा 8x − 8। बताओ भाई ये बात आई समझ में, इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना।
अब वेरिएबल को वेरिएबल के पास, मतलब चर को चर के पास लेके आएंगे, तो यानी एक्स को एक्स के पास लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 12x, इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा -8x इज इक्वल्स टू -8। तो 12x माइनस 8x करोगे कितना, 12x में से 8x घटाओगे बच्चा कितना होगा, 4x होगा, 4x इज इक्वल्स टू -8। लो लग गया हमारा क्वेश्चन। तो x इक्वल्स टू इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा डिवाइड, यानी इधर गुणा है तो इधर आएगा तो भाग, तो हो जाएगा -8/4। बताओ तो 4 1 4 4 2 8, तो x इक्वल्स टू -2। लो आ गया आंसर, x इक्वल्स टू कितना, x का मान कितना है -2, यानी -2। ठीक है चलो अब क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया, ये दिया गया बच्चा कि 2-1 और 2-1 की होल पावर -2 की होल पावर -2। बहुत बढ़िया, हम बोडमास का जो रूल पढ़े थे उसमें हम क्या पढ़े थे कि सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, तो हम सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2-1। इसको करोगे तो 2- हो जाएगा 1, और 1 की पावर -2 लिखी है, इसकी पावर -2 लिखी है, तो 1 की पावर तो कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी लगा लो वो हमेशा 1 ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, चाहे 1 की पावर 1 लगाओ, चाहे 1 की पावर -1 लगाओ, चाहे 1 की पावर 2 लगाओ, चाहे 1 की पावर -2 लगाओ, 1 हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 1 रहेगा तो इसका मतलब बचा कितना हमारा 2-1 की पावर -2। अब फिर वही काम, 2-1 करेंगे तो 1 हो जाएगा 1 की पावर -2, तो 1 की पावर कुछ भी लगा लो, 1 की पावर कुछ भी लगा लो उसका आंसर हमेशा कितना होगा बच्चा, 1 ही होगा, कितना होगा 1 होगा, बात खत्म हो गई। तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बताओ भाई बात आई समझ में ना। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया, काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है लेकिन लग जाएगा आसानी से। क्या दिया है, 100 की पावर 1/2 × 0.001 की पावर 1/3 -0.0016 की पावर 1/4 × 3 की पावर 0+5/4 की पावर -1। ये हमको क्वेश्चन दिया गया। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहला काम 100 को हम इसके टर्म में चेंज करेंगे, 1/2 है ना, तो इसको हम अपॉन मतलब वैसा ही स्क्वायर बनाएंगे जैसा कि इसका पावर का डिनोमिनेटर हो, जैसा कि इसके घात की हर हो, तो वैसे ही इसकी हम घात बनाएंगे। तो 10 का स्क्वायर हम कर सकते हैं, 10 का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कि पावर 1/2 × इसको हम क्या कर सकते हैं, 0. क्यूब में क्या बताया था कि अगर हमें क्यूब रूट निकालना होता है, 1/3 का मतलब क्या होता है। अच्छा एक चीज़ जानते हो, और आसान काम बता देता हूँ, अभी मैंने कहा था कि अगर किसी की पावर जैसे लिखा हो, एक्स की पावर ऐसे लिखा हो, रूट ऐसे लिखा हो ना, तो इसका मतलब ये एक्स की पावर 1/2 है। अगर ये क्यूब रूट एक्स लिखा हो तो इसका मतलब एक्स की पावर 1/3 है, मतलब अगर किसी की पावर 1/3 हो तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, अगर ऐसे लिखा हो तो ऐसे लिख सकते हो नहीं लिख सकते, लिख सकते हो बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये दुनिया भर की नौटंकी करने से अच्छा हम यही कर लेते ना, तो ये हो जाएगा √100 इंटू क्यूब रूट हो जाएगा 0.001 माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4th root, इसको क्या लिख सकते हो, 4th root 0.0016 इंटू 3 की पावर 0 प्लस, इसको दो 5/4 की पावर -1 है, तो इसका रेसिप्रोकल कर लो प्लस हो जाएगा 4, यानी उल्टा कर दोगे जैसा अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, तो बिल्कुल वैसा ही कि 5/4 की पावर -1 है, तो इसका 4/5 कर दो तो ये पावर जो होगी +1 हो जाएगी, और +1 लिखा नहीं जाता। तो 100 का स्क्वायर रूट बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ, 100 का स्क्वायर रूट 10 इंटू 0.001 का क्यूब रूट बताओ, मैंने स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट पढ़ाया ना, तो ऐसे बताओ तो कितना हो जाएगा 0.1 का नंबर, यहाँ पर इसकी 4th root बताओ तो कितना हो जाएगा, 16 को किसमें 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 16, मतलब क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 में चेंज करना ना, तो ये हो जाएगा हमारा 0.2। ठीक, 3 की पावर 0 का मतलब होता है 1+4/5, बताओ इतनी बात आ गई समझ में, आसान था कि नहीं था, बहुत आसान हो गया चीज़ें है ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे हम, इसमें डिवाइड तो है नहीं तो मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, तो 10 का 0.1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, 0.2 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.2 प्लस ये हो जाएगा 4/5। बताओ भाई इतनी बात आई समझ में, इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो अभी बता दो, इतने में कोई दिक्कत है नहीं है ना। चलो आगे देखते हैं, अब यहाँ पर अगर हम करें तो 1-0 इन दोनों को, इसको और इसको प्लस कर लो कितना हो जाएगा, 1+1+4/5 अगर करके देखो तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 क्योंकि दोनों प्लस में है ना, तो प्लस हो जाएंगे, तो 5 × 5+4 कितना हो जाएगा 9, तो 9/5 हो जाएगा, तो 9/5 -0.2।
टू हो गया। नाइन को फाइव से डिवाइड करके देखो कितना आता है, फाइव पंजा फाइव, ये कितना हो गया फोर, डेसिमल लगा जीरो, फाइव एट जा फोर्टी, ओहो तो कितना आ गया 1.8 माइनस 0.2। अब इसमें से अगर 0.2 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 1.6 आ जाएगा, और 1.6 क्या होगा हमारा आंसर होगा। क्लियर है बात, इतनी समझ में आया? चलो समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा देखना, तिबारा देखना, समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता तो हमारे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लो और क्वेश्चन मुझसे पूछ लेना, मैं दोबारा से फिर किसी क्लास में बता दूंगा, ठीक है ना, दोबारा से बता दूंगा ये क्वेश्चन। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया गया, इफ रूट थ्री इज इक्वल टू 1.732 है ना, रूट थ्री की वैल्यू दी गई है, तब हमारा ये क्वेश्चन है कितना है, फाइव रूट 27 माइनस टू रूट 243 प्लस टू रूट थ्री। अब इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना हो तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई, कोई तरीका है आपके पास, कोई तरीका हो तो बता दो, नहीं है चलो हम ही देखते हैं। अगर कोई यहाँ पर ये हमको दिया गया क्वेश्चन, फाइव रूट 27 माइनस टू रूट 243 प्लस टू रूट थ्री, ये हमारा क्वेश्चन, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो फाइव रूट 27 का करोगे तो थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताओ भाई, 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड तीन गुणे तीन होगा कि नहीं होगा, करके देख लें, चलो 27 करके देख लो, तो ये हो जाएगा 3 9 जा 27 3 3 जा 9 और ये हो गया 3 1 जा 3 आ रहा ना। फिर माइनस लगा है, माइनस लगा लो, टू लिखा है, टू लिखा है, रूट लगा है, रूट लगा दो, 243 का करके चेक कर लो तो कितना हो जाएगा, 3 8 जा 24 3 1 जा 3 ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 3 7 जा 21 ये कितना, 3 9 जा 27 ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और ये हो गया 3 1 जा 3 बस हो गई बात। तो 1 2 3 4 5 तो 1 2 3 4 5 है ना, ये तो हुआ प्लस, और ये कितना दिया गया है 2√3। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें स्क्वायर रूट से बाहर आ सकती हैं, यहाँ पर ये पेयर बाहर आएगा, यहाँ पर ये और ये पेयर बाहर आएगा, तो इसका मतलब यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 बाहर आएगा तो 5 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, अगर 3 बाहर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5 × 3√3 माइनस ये हो जाएगा 2 × a3 बाहर आएगा 3 × 3 और बच जाएगा हमारा √3 प्लस, और ये हमारा 2√3 है ही है, बताओ समझ में आया इतना। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 3 जा 15√3 मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 3 जा 6 3 जा 18√3 और ये हो जाएगा हमारा प्लस 2√3। लो लग गया भाई, है ना, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुई है, मुझे नहीं लगता कहीं से कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ये प्लस है ये माइनस, सॉरी ये दोनों प्लस में है तो प्लस कर लो, 15 + 2 कितना हो जाएगा 17, तो ये हो जाएगा 17√3 और इसमें से माइनस ये हो जाएगा 18√3। प्लस माइनस का सॉल्यूशन क्या होता है, माइनस होता है, और साइन बड़े नंबर के आगे वाला लगता है, तो बड़े नंबर के आगे तो माइनस है, तो भाई माइनस लगा लो, 18 - 17 17 हो जाएगा, और 18 - 17 1 हो जाएगा, बचेगा कितना हमारा √3, और उनको √3 की वैल्यू ये दी हुई है, कितना हो जाएगा -1.732, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई बात आई समझ में, कितना आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है, प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि सपने पूरे करने हैं कि नहीं करने, जिसको जिसको सपने पूरे करने हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना यस, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में जाके लिखना था कि मुझे बाद में पता लग जाए कि यहाँ कितने लोग हैं जो सपने पूरा करना चाहते हैं, अपने माँ बाप के सपने पूरा करना चाहते हैं, तो जो पूरा करना चाहता है वही मन लगा कर पढ़ेगा, वही देखेगा पूरी क्लास और अपने डाउट्स मुझसे पूछेगा, ठीक है ना, मैं पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, बस केवल आपकी डिटर्मिनेशन ये होनी चाहिए कि आप बिल्कुल कन्फर्म कर लो, बिल्कुल ये अपने से प्रॉमिस कर लो कि आपको अपने अचीवमेंट नवोदय ही नहीं, अगर नवोदय में होता है तो ठीक है, नहीं होता है उसके आगे भी आपको अपने माँ बाप के सामने पूरे करने, ठीक है ना, चलो बिना नवोदय के भी लोग पूरे कर लेते हैं, लेकिन पहला अचीव जो है हमारा पहला स्टेप वो हमको नवोदय एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है। चलो फिर यहाँ पर 28 क्वेश्चन नंबर 28 ये दिया गया है कि 3908.78 का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होगा, ये तो आपने जूनियर क्लासेज में भी पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड वैल्यू लिखने का क्या तरीका होता है, देखो स्टैंडर्ड वैल्यू लिखने का तरीका होता है कि ये डेसिमल होता है ना, इस डेसिमल को जनरली वन प्लेस पे लेके आओ, कहाँ लेके आओ, यहाँ वन प्लेस, यहाँ पे, ठीक है, तो अगर हम डेसिमल यहाँ लिख देते हैं, डेसिमल 3.90878 ये लिख देते हैं, इंटू फिर 10 लिख देना, और उसकी पावर क्या लिखोगे,
जितने डेसिमल आगे लेके जाओगे उतने पावर, जैसे यहाँ पर था तो 1 2 3, 3 नंबर पहले लेके गए हो ना, तो यहाँ पर इसकी पावर 3 लिख देना, लो हो गया आंसर, कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बताओ बात आई समझ में, बात आई नहीं समझ में? जैसे जितने भी डेसिमल हम इधर खिसकाएंगे उतनी ही पावर, अगर इधर की तरफ डेसिमल खिसकाओगे तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी। बताओ बात आई समझ में? तो ये इस बुक के में 28 क्वेश्चन थे और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। लेकिन आज का जो होमवर्क है वो होमवर्क भी ले लो, ठीक है, होमवर्क ले लो। होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि 0.00079 है ना का स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी मानक रूप, क्या मानक रूप, स्टैंडर्ड वैल्यू लिखनी है, मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक, स्टैंडर्ड वैल्यू ये लिखनी है। अब ये कैसे लिखोगे, ये आपको जैसे ये मैंने लिखा ना, तो जैसे अगर आपको 10 की पावर 3 लिखने में दिक्कत हो रही है तो लिख देना 10 की पावर 3, ऐसे ही आंसर में लिख देना, ऐसे मैं समझ जाऊंगा कि हाँ। अब इसका जो भी बनता हो, ठीक है, इसकी जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में जो भी लिखा जाता हो स्टैंडर्ड फॉर्म, वो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका लिख देना ना, स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर्म 0.00079 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में देना, जिसका आंसर सही होगा उनको मिलेगा एक हार्ट, ठीक। काफ़ी सारे बच्चों को मिल भी चुका है, आपको ये तो ब्लैक है लेकिन वहाँ पर आपको रेड मिलेगा, ठीक है। तो चलो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारा व्हाट्सएप या टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मुझे मैसेज कर देना, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई आपको जरूर करूँगा, ठीक है ना। तो ज्वाइन कर लो, और फिर भी कोई दिक्कत होती हो, फिर भी कोई दिक्कत तो, और वहाँ कोई दिक्कत होगी नहीं, मैं पूरा सॉल्यूशन आपके करने की कोशिश करूँगा। और जाने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हमारी हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ पढ़ लिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको एकेडमी क्लासेज मिलेंगी, क्लासेज 6 to 10th की, SST, मैथ, इंग्लिश और साइंस की, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें तो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं सारी चीज़ें, तो जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, बच्चा तब तक पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।